नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर सांसद और भाजपा के प्रत्याशी शंकर लालवानी ने प्रेस क्लब में आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपने आने वाले 25 सालों में इंदौर का कैसे विकास किया जाएगा इसका रोड मैप पत्रकारों के सामने पेश किया। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा इंदौर की दी गई सौगातों के बारे में भी जानकारी दी। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त लालवानी ने इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल और इंटरनेशनल फ्लाइट से सीधे इंदौर को जोड़े जाने और नए विकास कार्यों की जानकारी भी दी। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने चाय पर चर्चा करते हुए इंदौर से खंडवा होते हुए बुरहानपुर से होते हुए हैदराबाद तक की कनेक्टिविटी की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये रोड आने वाले एक साल में पूरा हो जाएगा। वहीं उन्होंने उज्जैन, झालावाड़ होकर जयपुर के रास्ते दिल्ली तक की सड़कों के जाल की जानकारी दी और बताया कि जल्द ही उज्जैन रोड 6 लेन में बदलेगा और सिंहस्थ महापर्व 2028 में इस सड़क से आम जनता को फायदा होगा। वहीं लालवानी ने एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से 3 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट की जानकारी दी और बताया कि विश्व की बड़ी कंपनियां कार्गो के साथ इंटरनेशनल कनेक्टिविटी तलाश करती हैं और इंदौर इस मामले में काफ़ी आगे निकल चुका है और आने वाले समय में इंदौर एयरपोर्ट पर 30 से ज़्यादा प्लेन पार्क किए जा सकेंगे। वहीं उन्होंने इंदौर शहर की ट्रैफिक की समस्या पर भी चर्चा की, साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार और पुलिस कमिश्नर के साथ मिलकर समस्या पर चर्चा की जा रही है और ट्रैफिक प्लान आने वाले 25 सालों के लिए बनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने शहर के 2,00,000 लोगों के जन सहयोग से किए गए हेल्थ सर्वे के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा नई मेडिकल नीति बनाए जाने की भी जानकारी दी। लालवानी ने इंदौर शहर के बीच से गुजरने वाली मेट्रो ट्रेन के प्रोजेक्ट को लेकर लोगों के बीच हो रही चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि शहर के पौराणिक महत्व को देखते हुए नया प्रस्ताव बनाया गया है और दूसरे फेज में मेट्रो को शहर के बाहरी हिस्सों से होकर निकाला जाएगा। कल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंदौर में बहुत सारे विकास के काम हुए हैं। हर घर में नल, गरीबों को घर, प्रधानमंत्री आवास हो, मुद्रा लोन हो, सिलेंडर हो, आयुष्मान कार्ड हो, इंदौर में बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी को इंदौर से जो पिछले बार आशीर्वाद मिला था उससे ज़्यादा आशीर्वाद इस बार मिलेगा। हमारे सभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से और जनता के आशीर्वाद से इंदौर में एक नया इतिहास बनेगा। क्या बात, ये जो कलदार सिक्के वाली बात आई है, क्या परिभाषा होती है, मापदंड है मेरी जानकारी? मेरी जानकारी जीतू पटवारी का लड़ने की चर्चाएं चल रही है। भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से चुनाव लड़ती है और हम पूरे गंभीरता के साथ मैदान में हैं और हमारे कार्यकर्ता और जनता में जिस प्रकार का उत्साह है, हम पहले से ज़्यादा मतों से जीतेंगे। लेकिन जीतू पटवारी अगर आते हैं तो आपको लगता है मुकाबला कड़ा होगा? पहले से ज़्यादा मतों से जीतेंगे। बम बम आए थे बोले शंकर, बम बम आए थे, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, चुनाव हम गंभीरता से लेंगे और बहुत मेहनत के साथ हमारे कार्यकर्ता लगे, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।